नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबर होइते स्टुडिओत मय मुनमी राज्य भितरते द्वितीयखन रेलवे म्यूजियम शुभ उद्बोधनी करा हाय आरो आजि बिश्वनाथत राज्यर भितरते द्वितीयखन रेलवे म्यूजियम शुभ उद्बोधन करा हाय आरो ताके लय आजि बिश्वनाथत उपस्थित होय रेलवे महाप्रबंधक आंशुल गुप्ता राज्यर भितरते द्वितीयखन रेलवे म्यूजियम शुभ उद्बोधन करा होल बिश्वनाथत आजि बिश्वनाथत उपस्थित होल उत्तर पूब सीमांतर रेलवे महाप्रबंधक आंशुल गुप्ता महाप्रबंधक गराकीक विपुल आदरणी जनाय बिश्वनाथ रेलवे विभागर लगते बिश्वनाथ जिला सांबादिके धरि विभिन्न जातीय दल संगठनर नेताकर्मीये आरु बिश्वनाथर सांबादिक आरु विभिन्न जातीय दल संगठनर महाप्रबंधक गराकीक काखत पाई बिश्वनाथत अति कमेउ दुखनकै दिल्ली अभिमुखी जातीबाही रेलर लगते पुवार भागत उत्तर অসমৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ এটা স্টপেজ দিয়াৰ সন্দৰ্ভত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু ইফালে মহাপ্ৰবন্ধক গৰাকীক বিশ্বনাথ ৰেল ষ্টেচনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰাৰ লগতে বুজ ললে বিভিন্ন সমস্যাৰ আৰু মহাপ্ৰবন্ধক গৰাকীয়ে একেদিনাই বিশ্বনাথ ৰেল ষ্টেচন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন ৰেলৱে মিউজিয়াম শুভ উদ্বোধন কৰে লগতে বিশ্বনাথৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত নিৰ্মাণ কৰা আটক ধুনীয়া এই শিশু উদ্যান এখনো উদ্বোধন কৰে আনহাতে ৰাজ্যৰ ভিতৰত আজি উদ্বোধন হ'ল দ্বিতীয়টো মিউজিয়াম আৰু সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা হেৰাই যোৱা পৌৰাণিক ৰেলৰ ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সা-সঁজুলি उसी बार आया हूँ और सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इस स्टेशन को और सुंदर बनाना। अभी आपने देखा है यहाँ भी काफ़ी सुधार हुआ है पिछले कुछ दिनों में और स्टेशन पर भी और हम लोग जो कैटरिंग स्टॉल है वेटिंग हॉल भी आज यहाँ ओपन किया है वो भी काफ़ी सुंदर बना है। पहले वेटिंग हॉल की नहीं था, अब यात्री जो है बाहर ठंड में नहीं रहना पड़ेगा, वेटिंग हॉल की सुविधा है। वेटिंग हॉल में भी जैसे आज मॉडर्न होते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट पर देखते हैं या मेट्रो स्टेशन जहाँ जब बने हैं कि उसके अंदर भी खाने पीने की सुविधा है। इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे तो जिससे कि स्टेशन पर भी सुधार हो, जो यात्री आए उनको सारी सुविधाएं मिले और जैसा भी नई गाड़ियों का स्टॉपेज की बात है वो हम उसको एग्जामिन करके देखेंगे। सर यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है रेलवे का तो वो बहुत ही खराब हालत में है, बारिश के मौसम में वो लोग भीगना पड़ता है रात के सोते वक्त भी, तो उस पर डिमांड है यहाँ का लोकल पीपल का, सर इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए जो डिमांड अभी ज्ञापन दिए हैं, मेमोरेंडम मिले हैं गुवाहाटी के लिए भी हैं, राजधानी एक्सप्रेस या जो और गाड़ियां हैं लॉन्ग डिस्टेंस की उनको भी रोकने के स्टॉपेज के आज दिए हैं। उनका एग्जामिन हम लोग करेंगे क्योंकि उसके एग्जामिनेशन के बाद में जो भी रिकमेंडेशन होगी और जिस तरह का पॉपुलेशन और सिटी ये डेवलप हो रहा है तो पॉजिटिव तरीके से हम उससे देख के रेलवे बोर्ड भेजेंगे और बेस्ड ऑन डेटा कि जो जितने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं या रिजर्वेशन होता है कितना वेटिंग लिस्ट है उसके बेसिस पे रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है। तो मेरा एक ये भी अपील है आप मीडिया के भाइयों के द्वारा कि जो 19-20 में यहाँ जो पैसेंजर जो टिकट खरीदते थे या रिजर्वेशन कराते थे उससे इस साल बहुत कमी हुई है, तो जो लोग जो जाते हैं जो टिकट नहीं लेते हैं या रोड से जाने शुरू कर दिए हैं तो रेल का उपयोग करें, ज़्यादा रिजर्वेशन होगा टिकट बिकेंगी। अब यहाँ स्टेशन पर और भी सुविधाएँ दे रहे हैं, कैटरिंग स्टॉल भी खोल रहे हैं, म्यूज़ियम बन गया है, तो इसका भी यूज़ करेंगे तो सुंदर यात्रा रेल से करेंगे तो यहाँ ज़्यादा टिकट भी होगी, रेल में ज़्यादा यात्री जाएंगे तो जो नई गाड़ियों को या स्टॉपेज देने बड़ी आसानी हो जाती है। देखिए जो इस स्टेशन पे आए हैं जो एक ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बल्कि आसाम का भी एक प्रमुख शहर है, तो यहाँ जो जिस तरह की सुविधाएं और सेफ्टी का क्या हाल है, पैसेंजर्स के लिए क्या ट्रेन जो चली उसमें क्या सुविधाएँ हैं, हमारी कॉलोनीज़ कैसे हैं, स्टाफ के लिए क्या क्या सुविधाएं हम लोगों ने दिया है वो आज मैंने देखा। अभी आपने देखा जैसे स्टेशन पर भी काफ़ी सुधार हुआ है, सफाई भी बेटर है, फिर यहाँ एक पार्क का भी अभी जो बच्चे जो हैं हमारे कॉलोनी के उनके लिए आज
ओपन किया गया है, और उससे बढ़ के एक म्यूज़ियम, जो हम लोग कई चीज़ें होती हैं जो काफ़ी पुरानी या ओल्ड जो होती हैं सोच के डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उनका यूज़ करके पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका पेंटिंग या जो फोटोग्राफ्स थे उससे जो एक म्यूज़ियम यहाँ बनाया गया है, बहुत ही एक अट्रैक्शन है यहाँ के स्टेशन, ख़ास तौर से अगर कोई टूरिस्ट आता है उसके लिए भी, तो उसका भी आज यहाँ ओपनिंग हुई है। और इस खूबसूरत जो एरिया है उसमें म्यूज़ियम, पार्क और इतना खूबसूरत स्टेशन, ये ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि जो टूरिस्ट आएंगे इस एरिए में या अरुणाचल भी जाते हैं उनके लिए एक एडेड अट्रैक्शन रहेगा। सर, विश्वनाथ का लोगों का डिमांड है, यहाँ में दिल्ली जाने वाला जो ट्रेन है यहाँ रुकती नहीं है, नहीं है वो काफ़ी दिनों से स्टॉपेज नहीं है, खोज रहा है इसी डिमांड में। और सर, गुवाहाटी जाने के लिए यहाँ में दिन के